बात करने वाले हैं आपकी कुछ स्क्रीन टचेस सेटिंग्स के बारे में। आप कहाँ कहाँ टच करेंगे तो आपको साउंड देखने को मिलता है, तो स्क्रीन टच साउंड्स की सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइज़, सबसे पहले चलते हैं अपने फोन की हम सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हम काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आ पाएंगे तो गाइज़ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडवांस सेटिंग्स के ऊपर गाइज़ हैप्टिक्स एंड टोन का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे आपके डायल पे टोन, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड और यहाँ पे गाइस यहाँ पे डिलीटेशन साउंड, फिंगरप्रिंट, एनिमेशन साउंड, टचेस साउंड। तो गाइस अगर आप इसको अंदर रखते हैं तो आप इसकी स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो गाइस आई होप सो कि आप इन सब चीज़ को समझ पाए होंगे, आपको ये वाली सेटिंग्स पसंद आई होंगी। कोई भी गाइस डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स को लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस हम आपको उसको रिप्लाई कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आप सब किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।